नमस्कार, आप देख रहे हैं आज तक आपके साथ। मैं हूं अंजना ओम कश्यप। जेएनयू हो या प्रेस क्लब हो, जब जब देश के खिलाफ, देशद्रोहियों के खिलाफ, आतंकियों के खिलाफ नारेबाजी होगी तो इस देश की निगाहें उठेंगी, नजरेंगे उठेंगी उस तरफ और सवाल पूछे जाएंगे। और इन्हीं सवालों के बीच आज जेएनयू घिरा हुआ दिखाई दे रहा है। जी हाँ, सियासत हुई तेज, क्योंकि एक तरफ किरण रिजिजू हो, देश के गृह मंत्री खुद राजनाथ सिंह या फिर शिक्षा मंत्री स्मृति ईरानी, सब ने कहा है ये देश में बर्दाश्त नहीं होगा। जी हाँ, ये आपको बताते हैं किस तरह से देश की सरहदों पर हमारे जवान तैनात रहते हैं ताकि हम और आप महफूज रहें, लेकिन देश के सबसे अच्छे, बड़े, सर्वोच्च सम्मान वाली यूनिवर्सिटी जेएनयू में अगर देश के खिलाफ ही नारेबाजी हो तो सवाल पूरा देश पूछता है। और जी हाँ, इसी के बाद वहाँ के अध्यक्ष को, जो स्टूडेंट्स यूनियन के अध्यक्ष थे, उन्हें हिरासत में लिया गया है, गिरफ्तार किया गया है। राजनीतिक गलियारों में ये मामला गूंज रहा है। आइए पहले ये रिपोर्ट आपको दिखाते हैं, फिर सवाल करेंगे। हिंदुस्तान की राजधानी में, शिक्षा के मंदिर में, हिंदुस्तान के खिलाफ जहर उगलने का मुद्दा लगातार तूल पकड़ता जा रहा है। बीजेपी का छात्र संघ सड़कों पर है। जेएनयू मामले को लेकर के एबीवीपी के छात्रों का आंदोलन और विरोध प्रदर्शन जो है वो यहाँ पर इंडिया गेट के पास शुरू हो गया है। हम इस समय सेंट्रल सेक्रेटेरिएट के पास में हैं और जबरदस्त आप देख सकते हैं। जेएनयू बंद करो, जेएनयू बंद करो, जो कश्मीर हमारा है, अरे जा हुए बलिदान मुखर्जी, अरे जो कश्मीर हमारा है। छात्र संघ ही क्या, स्थानीय लोग भी नाराज हैं, यूनिवर्सिटी के सामने विरोध कर अपना गुस्सा निकाल रहे हैं। सरकार नाराज है, सख्त कार्रवाई का इशारा कर रही है। भारत विरोधी नारे लगाए जा रहे, भारत की एकता, अखंडता, संप्रभुता पर सवालिया निशान लगाने की कोशिश की जा रही है। बहनों भाइयों, मैंने दिल्ली के पुलिस कमिश्नर को सीधा निर्देश दिया है, मैंने कहा है इन्हें माफ नहीं किया जाना चाहिए, कठोर से कठोर कार्रवाई की जरूरत की जानी चाहिए। आज सरस्वती की वंदना का दिन है और माँ सरस्वती हर परिवार को यह आशीर्वाद देती है कि उनके कंठ से जो स्वर निकले वो राष्ट्र को और उन्नत करने के लिए निकले, वो राष्ट्र को और सशक्त करने के लिए निकले। भारत माँ का जयगान हो, जय घोष हो, भारत माँ का अपमान ये राष्ट्र कभी सहन नहीं कर सकता। सरकार के सख्त होते ही छात्र संघ के नेता कन्हैया को गिरफ्तार भी कर लिया गया। यूनिवर्सिटी प्रशासन के कान में भी जू रेंग गई और कई दिनों बाद उन्होंने भी हाई लेवल जांच कमेटी बना दी। लेकिन बड़ा सवाल ये है कि आखिर इन सब में इतनी देर क्यों लगी, क्यों मामले को सड़क तक पहुंचने दिया गया। कार्रवाई हुई तो सियासत भी शुरू हो गई। वाम दलों ने पुलिस पर बीजेपी के इशारे पर काम करने का आरोप लगा दिया। And let law take its course, let law enforcing authorities act in accordance to the law of the land, we have no objection, but in the name of fighting those elements they should not target the entire left. Lekin zara suniye in awazon ko, किस भारतीय का खून इन आवाजों को सुनकर नहीं खोलेगा। आखिर शिक्षा के मंदिर में ये क्या हो रहा है, और उससे भी बुरा है उसके बाद होने वाली सियासत जिसने इसे पूरी तरह से कुछ और ही रंग दे दिया है। सवाल उठता है कि आखिर छात्र राजनीति का ये चेहरा कैसे ठीक होगा। रोशनी ठोकने और विवेक शुक्ला के साथ आज तक ब्यूरो। अफजल गुरु की तस्वीर हाथ में लिए ये लोग जो आपको दिख रहे हैं, ये जेएनयू के स्टूडेंट्स हैं। सवाल यही है कि जो देश का आतंकी माना गया उसके हक में क्या आवाज उठाना सही है। इसके अलावा और भी कई सारे सुलगते हुए सवाल हैं। इस बीच बड़ी खबर जेएनयू से जो आ रही है वो आपको बता दें, क्योंकि अखाड़ा ये महाभारत थमता नहीं दिख रहा है। जेएनयू के टीचर्स एसोसिएशन की तरफ से अब गिरफ्तारी के विरोध, किसकी गिरफ्तारी, छात्र संघ का जो अध्यक्ष कन्हैया जिसे गिरफ्तार किया गया है इस आरोप में कि वो भी देश के खिलाफ नारेबाजी कर रहे थे, वो भी अफजल गुरु के महिमामंडन में शामिल थे।
उसकी गिरफ्तारी के खिलाफ वाइस चांसलर से मिलने जा रहे हैं जेएनयू के टीचर। जेएनयू के टीचर्स का मानना है कि यह गिरफ्तारी सही नहीं है। तो चलिए अब बहस की शुरुआत करते हैं। जरा सोचे समझे और जाने जेएनयू से लेकर राजनीतिक गलियारों के दिग्गजों से कि आखिर इस देश के एक बड़े इंस्टीट्यूट में, जिसे सबसे बड़ा सम्मानित इंस्टीट्यूट माना जाता है, ये सब कुछ हो क्यों रहा है, कौन इसकी इजाजत दे रहा है, क्या जानबूझकर ये सब हो रहा है और क्या लोकतंत्र में ऐसे होना देना चाहिए। हमारे साथ डॉक्टर संबित पात्रा, राष्ट्रीय प्रवक्ता भारतीय जनता पार्टी के, इस विषय पर जुड़ रहे हैं। प्रोफेसर कमल मित्रा चिनॉय साहब जो कि जेएनयू के प्रोफेसर हैं, वो हमारे साथ जुड़ गए हैं। हमारे साथ अमरजीत कौर जी जो कि नेशनल सेक्रेटरी है सीपीआई के, हमारे साथ है। संबित पात्रा के नाम से तकलीफ हो गई लगता है कमल चिनॉय साहब को। संबित जी देखिए, अभी तो बहस की शुरुआत नहीं हुई, आपके नाम से लगता है चिनॉय साहब ने अपना माइक और ईपी हटाना शुरू कर दिया है। खैर, हमारे साथ जो लोग वहां पर मौजूद हैं उनसे बातचीत करने की कोशिश करेंगे। बहस की शुरुआत लेकिन बहुत जरूरी है, कोशिश करते हैं कि वो भी आ जाएं, क्योंकि हम कम से कम ये विश्वास रखते हैं कि डिसेंट की भी अगर आवाजें हैं तो सामने आनी चाहिए और जो भी बोले खुलकर बोले, ये ना बोले कि हम फंक्शन किसी और काम के लिए कर रहे हैं और बाद में चुपके से वहां पर कुछ और करें, क्योंकि यही प्रेस क्लब में भी हुआ है। हमारे साथ सौरभ कुमार जो कि जॉइंट सेक्रेटरी हैं एबीवीपी के, यहां पर स्टूडियो में मौजूद हैं। हमारे साथ चंदन यादव जी एनएसयूआई के साथ जुड़े हुए थे जेएनयू में, अब कांग्रेस में है, 2006 तक जेएनयू में थे, वो यहां पर स्टूडियो में मौजूद हैं। अमरजीत कौर, जैसे मैंने आपको बताया, खास मेहमान नेशनल सेक्रेटरी सीपीआई के, हमारे साथ जुड़ गई हैं। प्रशांत मुखर्जी हमारे साथ एसएफआई के स्टूडेंट भी कुछ देर में जुड़ेंगे। लेकिन सबसे पहले आपके पास आते हुए मैं आपसे, क्या चिनॉय साहब हमारे साथ हैं या चले गए हैं? चिनॉय साहब हमें सुन पा रहे हैं? ठीक है चिनॉय साहब, सबसे पहले मैं आपके पास आना चाहती हूं। स्टूडेंट्स, जो स्टूडेंट यूनियन के अध्यक्ष हैं कन्हैया, उनकी गिरफ्तारी के खिलाफ टीचर्स पहुंच रहे वाइस चांसलर के पास। अगर जेएनयू में देश के खिलाफ नारेबाजी हो, अगर अफजल गुरु जैसे आतंकी को महिमा मंडित किया जाए, क्या आपको नहीं लगता है कि देशद्रोह के मामले में उसकी गिरफ्तारी सही है? आपका, आपकी प्रतिक्रिया इस पर। मैं क्यों बोलूं? अरे देश के विरोधी हो, अफजल गुरु के साथ हो, हाँ, ये इसको कहते हैं निष्पक्ष ब्रॉडकास्ट। क्या आप मुझे सुन पा रहे हैं चिनॉय साहब? आपकी आवाज रुक गई है। अब मैं चाहूंगी कि आप पूरा जवाब दें। मेरा सवाल आपसे ये था कि क्या जो स्टूडेंट्स यूनियन के अध्यक्ष की गिरफ्तारी, मेरा जवाब आपको ये है जी, नहीं आप मेरे कि हर जो आपने फैक्ट दिया है गलत है। रात को हुआ किस्सा, हाँ? सवेरे हाई लेवल इंक्वायरी वाइस चांसलर ने किया। कन्हैया जो अध्यक्ष है छात्र संघ का जी, वो इन लोगों के खिलाफ बोला, उसको पुलिस ने गिरफ्तार किया क्योंकि वो वामपंथ के साथ है, मगर माओवादी नहीं है, वो सीपीआई के साथ है। क्या आपकी बात पूरी हो गई सर? हम लोग स्ट्राइक जो हम बहुत कम करते हैं, हम इस बार इसलिए कर रहे हैं कि झूठे इंजाम में सेडिशन के चार्ज और चीजों के इंचार्ज की ये विश्वविद्यालय में आतंक है, 15-20 लोगों ने ये सब हादसा किया, उसके खिलाफ हजारों छात्र खिलाफ है। आप ऐसे दिखा रहे हैं कि जेएनयू छूट दे रही है, जेएनयू कुछ कर नहीं रही है, कि आप सोचें कि जेएनयू अचानक बदल गई क्योंकि आधे डजन दो डजन एबीवीपी के लोग मंगलवार का दिन था मदद लेके इस सब मैं सम्मानजनक तरीके से आपकी पूरी बात मैं चाह रही थी कि सर आपको बीच में ना रोकूं, इसीलिए चुनाव साहब मैं चाह रही थी आपकी बात पूरी हो जाए, लेकिन मुझे लगता है कि आप गलत फैक्ट्स बता रहे हैं सर। विद ड्यू रिस्पेक्ट, चार को ये एक सेकंड सर, चार दिन बीत गए हैं, मंगलवार का दिन सर, एक सेकंड सर, देखिए हमने आपकी बात सुनने दी, मंगलवार को ये सब कुछ हुआ है, और आप हमने आपको इसीलिए आमंत्रित किया है। दिन प्रोक्टोरियल बोर्ड, उसके बाद प्रोक्टोरियल बोर्ड की बैठक हुई, क्या कार्रवाई की आपने ऐसे स्टूडेंट्स के खिलाफ सर, क्या कार्रवाई की आपने ऐसे स्टूडेंट्स के खिलाफ जो हिंदुस्तान के खिलाफ नारेबाजी कर रहे हैं और अफजल गुरु का महिमा मंडन कर रहे हैं? मैं, आप लोग तो हमारा वेबसाइट भी नहीं पढ़ते हैं, मैं जेएनयू वाइस चांसलर और डीन्स का स्टेटमेंट पढ़ रहा हूँ आज, और आप अपने वेबसाइट पे देखिए, अलोंग विद द डीन्स कमिटी द यूनिवर्सिटी टेक्स सीरियस नोट ऑफ द इंसिडेंट्स ऑन कैंपस ऑन द इवनिंग ऑफ फरवरी 9th। अ हाई लेवल इंक्वायरी कमिटी
has been constituted to investigate the matter and take appropriate action as necessary. तो सर हम आपका ये पूरा बयान जो आप बता रहे हैं वो अभी हम दिखा रहे हैं. सुनिए नहीं नहीं वो बयान हम दिखा रहे हैं सर. अब एयर टाइम बर्बाद होगा ना क्योंकि हम बयान लिख के दिखा रहे हैं अपने दर्शकों को. जब ये बयान हम लगातार दिखा रहे हैं हमारा ये कहना है. जब आप कह रहे हैं जब ये बयान है तो फिर आप हमारे ऊपर आरोप क्यों लगा रहे हैं. नहीं लेकिन पुलिस ने वहां जाकर अब लोगों को अरेस्ट किया है. अब ये बताता है कि जो आपकी कार्रवाई थी उससे ऊपर उठकर गृह मंत्री खुद कह रहे हैं कि कार्रवाई है. हाँ. वो आम आदमी पार्टी ने भी दिखाया है, दिल्ली कर्मचारियों ने भी दिखाया कि पुलिस ने कैसे फर्जी केस लगा दिए. ये क्या पहले बार है? हम में से काफी लोग इमरजेंसी में निकाले गए यूनिवर्सिटी से. उस समय सरकार उनकी तरफ थी. जवाब दीजिए. एक सरकार है जो जेएनयू के खिलाफ. संबित पात्रा जी जवाब दीजिए. बातों को बिल्कुल सच. संबित पात्रा जी, दिल्ली पुलिस बीजेपी और एबीवीपी के कहने पे काम कर रही है. न सिर्फ चिनॉय साहब का कहना है, ये डी राजा का भी कहना है और उसके बाद अमरजीत जी आपके पास आऊंगी. संबित पात्रा जी जवाब दीजिए. देखिए मुझे आज तकलीफ हो रहा है कि सरस्वती पूजा के दिन आप भी आज येलो पीताम्बर में हैं, मैं भी पीताम्बर में हूँ. इसका कारण है आज बैशाखी है. उस दिन भी मुझे आज कठोर शब्दों का प्रयोग करना पड़ेगा. धिक्कार है ऐसे लोगों का. देखिए मैं कमल जी का, अमरजीत जी का, ए डी राजा का, सबका सम्मान करता था, मगर आज मेरे मन में से ये सम्मान खत्म हो रहा है. आज सबको एक होके खड़ा होना चाहिए. ये भारत मां के सम्मान का विषय है. नहीं सर, आपको मैं इंटरप्ट नहीं कर रहा था. सुन लीजिए प्लीज. मैं इसलिए कह रहा हूं कि आज मेरे मन से आप तमाम नेताओं के प्रति जो सम्मान था वो सम्मान समाप्त हो गया. करोड़ों हिंदुस्तानियों के मन से ये सम्मान समाप्त हो गया है. आप बताइए, गो बैक इंडिया, पाकिस्तान जिंदाबाद. भारत के होंगे हजार टुकड़े. भारत को करेंगे हम बर्बाद. ये आपके कैंपस के अंदर आज पहली बार मिस्टर चिनॉय, विल यू अलाउ मी टू स्पीक? किस प्रकार के बयानबाजी हुई है वो कैमरे में कैद है. पूरा हिंदुस्तान 3 दिन से देख रहा है कौन झूठ बोल रहा है. ये हिंदुस्तान की जनता बच्चा बच्चा जानती है. इसलिए आप शांत होकर बैठ जाइए और हमें कहने दीजिए. चाय पीजिए और मुझे बोलने दीजिए. यहाँ पर आपको रोकना चाहूंगा. ये एबीवीपी का कुछ किया हुआ नहीं है. ये आप ही के ऑर्गेनाइजेशन के, आप वही जो कैंपस के जो कम्युनिस्ट स्टूडेंट है उन्होंने किया है. और आज जब ये बात बाहर देखिए कितनी तकलीफ होती है. ये जो बयानबाजी हुई है ये कोई पहली बार नहीं हुई है अंजना जी. ये पहली बार कैमरे के माध्यम से और मीडिया के माध्यम से देश के सामने आया है. ये पहली बार अफजल की बरसी नहीं मनाई जा रही है, ये तीसरी बार अफजल की बरसी मनाई जा रही है. हर बार यही आलम होता है. इसीलिए तो लोग आज जेएनयू के ऊपर सस्पिशन से देख रहे हैं. मगर इस बार कैमरे ने कैद कर लिया, इस बार कानून ने सुन लिया और इस बार देश जान गई कि जेएनयू के कैंपस के अंदर ये लोग जिनके प्रति मेरा सम्मान था और सम्मान मिट गया, ये क्या करते हैं आप बताइए. एक ब्रेक के लिए मजबूरन मुझे रुकना पड़ रहा है लेकिन आप सबके पास में फौरन ब्रेक के बाद लौटूंगी. जेएनयू के देशद्रोहियों पर दंगल. देशद्रोही इसीलिए हमने कोट किया है क्योंकि अब उनके खिलाफ कार्रवाई हो रही है. देशद्रोह का मुकदमा उन पर दर्ज किया है. अमरजीत जी, मैं सबसे पहले भाई एक बार आपसे सवाल ये है कि आप ये कह दें कि हमने एक हाई लेवल कमेटी बना दी है, हम उन पर कार्रवाई कर रहे हैं. साल दर साल वही होता है और जो स्टूडेंट्स बैठे हैं यहाँ पर स्टूडियो में वो भी बता रहे हैं कि इस बार चूंकि रिकॉर्डिंग हो गई, सबके सामने आ गया, इसलिए कार्रवाई हो रही है. तो आखिर हम ये आरोप क्यों ना लगाएं कि जेएनयू का जो प्रशासन है, जेएनयू के जो टीचर्स है, प्रिंसिपल है, आंख बंद करके बैठे. चिनॉय साहब चले गए. देखिए मैं बोलूंगी तो बोलिए. अगर मैं बोलूंगी तो बीच में इंटरप्शन नहीं होना चाहिए. आपने पहले राउंड में मुझे चांस नहीं दिया. पहली बात तो यह है कि आप किसी को पकड़ के लेके गए हैं, आपने देशद्रोह डिक्लेयर कर दिया. ये हिंदुस्तान का कानून नहीं है कि किसी को एक्यूज्ड कह के पुलिस कुछ कहे तो आप उसको पहले कसूरवार ठहराए. पहली बात.
दूसरी बात, आज साफ समझ में आ रहा है कि कुछ समय से जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी को टारगेट करने की कोशिश की जा रही थी और आज नारों में एबीवीपी के और केंद्रीय सरकार के दखल से समझ में आ रहा है कि ये जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी को टारगेट कर रहे हैं। तीसरी बात जो सीधे समझ में आ रही है कि 15-20 छात्रों ने जो किया, जिन्होंने गलत किया उनके ऊपर कार्रवाई होनी चाहिए। जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी स्टूडेंट यूनियन ऑर्गेनाइजर नहीं है, एआईएसएफ एसएफआई आईसा ऑर्गेनाइजर नहीं है, ऑर्गेनाइजर कोई फ्रिंज ग्रुप है और जो फ्रिंज ग्रुप है उसको परमिशन मिली, परमिशन कैंसल हुई। कन्हैया जिसके अंदर ना जेएनयू एसयू शामिल थी ना, नहीं नहीं सुनिए, जेएनयू अरे काउंटर क्वेश्चन नहीं करने दीजिएगा उसमें अमर जी, मेरी अंजना, अंजना आप मेरी अमर जी जी मेरे को आप मेरे को फिर बोलने दीजिए, आप ही बोलिए, आप बिना सुने और संबित पात्रा बिना सुने मैम एक काउंटर क्वेश्चन कर लूं कि आपके चैनल पे नहीं नहीं काउंटर क्वेश्चन सुन लीजिए, चैनल पे बैठ के आप मेरी बात सुन लीजिए। संबित ने भी गाली दी, अभी मैं बोली भी नहीं, उन्होंने कहा जो अमरजीत जी बोल रही है देशद्रोहियों को देशद्रोही नहीं करे तो क्या आरती उतारे उनकी, मैं गाली क्या होता है, अमरजीत जी गाली क्या होता है, पाकिस्तान जिंदाबाद कहने वाले को देशद्रोही ना कहे तो क्या उसे देशभक्त कहूं मैं, उनको कहिए ना। अरे आप इतनी गुस्सा क्यों हो रही हैं, आप कंडेम तो करिए, आप इतना गुस्सा क्यों हो रही हैं, यहाँ पे देश को बेचने का काम किया जा रहा है जेएनयू में और मुझे आप हमें गुस्सा हो रही है, नहीं झूठ आरएसएस का झूठ साइड से यहाँ गुंडागर्दी मत फैलाइए, पकड़े गए हैं, पकड़े गए हैं देशद्रोही, सौरभ जेएनयू के हैं सौरभ, जल्दी से बताइए अमरजीत जी, विद ड्यू रिस्पेक्ट आई वुड लाइक टू से कि कन्हैया जिनकी आप बात कर रहे हैं वो उस जगह पर मौजूद थे, उन्होंने उस पूरे प्रोग्राम को लीड किया है, भले ही 10 लोगों ने ऑर्गेनाइज किया है जो फ्रेंड ग्रुप है, लेकिन कन्हैया जी उसको वहां पर एड्रेस क्यों कर रहे थे, लीड क्यों कर रहे थे, अगर उनको यहीं से लौटेंगे, फौरन लौटेंगे अमरजीत जी जो कह रही हैं जेएनयू के देशद्रोहियों पर, और इसीलिए हम कोर्ट में देशद्रोही लिख रहे हैं क्योंकि देशद्रोह का अभी मुकदमा दर्ज हुआ है और आरोप इन पर ये लगा है। सवाल ये है कि क्या ये सिर्फ कुछ लोग हैं, चंद लोग हैं जो जेएनयू में कर रहे हैं, या जेएनयू के स्टूडेंट्स यूनियन के अध्यक्ष को अब गिरफ्तार किया गया है, क्योंकि अब एक तस्वीर हम दिखाना चाहते हैं। चिनोय साहब आप भी इस तस्वीर को गौर से देखिएगा और अमरजीत कौर जी आप भी, इस तस्वीर में कन्हैया जो कि स्टूडेंट्स यूनियन के अध्यक्ष हैं, ये देखिए ये गोलाकार में वो साफ दिख रहे हैं और वो लीड कर रहे थे इस पूरे एंटी इंडिया कह लीजिए, अफजल गुरु का महिमा मंडन कह लीजिए उस पूरे इसको। फिर ऐसे में चिनोय साहब क्यों ना सीधा उन पर आरोप लगे और क्यों आप बार बार बचा रहे हैं कि कुछ लोग हैं, ये तो आपके स्टूडेंट्स यूनियन के अध्यक्ष हैं जो दिख रहे हैं ये सब कुछ करते हुए। सर स्टूडेंट्स यूनियन ने खंडन किया इस आरोप को और हम तो वीडियो दिखा रहे हैं सर, बहुत कड़ी शब्दों में सर क्यों झूठ बोल रहे हैं जब पूरी दुनिया देख रही है कि कन्हैया कुमार ने वहां एड्रेस किया है, मामा नागा जो आईसा से उन्होंने एड्रेस किया है और जो स्टूडेंट्स हैं उन्होंने रेज किए हैं स्लोगन्स इंडिया के खिलाफ, आप किस बिना पर इनको सपोर्ट कर रहे हैं, किस बिना पर आप इनको कवर करने की कोशिश कर रहे हैं, ये शर्मनाक बात है, को भी अटैक कर रहे हैं, तो एबीवीपी का वार पूरा वामपंथ पे है, केवल माओवादी सर, ये चीजें पहले भी होती रही थी क्योंकि इस बार वीडियो बने हैं साफ क्लियर है, लोगों के चेहरे साफ साफ दिख रहे हैं, इसीलिए आप आज कुछ नहीं कर पा रहे हैं, पिछले जब पहले होते थे आप इसी तरीके से कवर अप करते थे क्योंकि उस समय आप ये कह रहे थे कि इन्होंने काम ही नहीं किया है, इन्होंने प्रदर्शन ही नहीं किया है, आज कम से कम अंजना जी प्रदर्शन हुए थे, हैरानगी है, अंजना जी मैं टिप्पणी करना चाहता हूँ और एसएफआई और सबको अटैक किया, नहीं आपकी बात पूरी नहीं सुन सकते, अंजना जी आप मुझे अपनी बात रखने दीजिए, ठीक है मैं आ रही हूँ, इसके बाद प्रशांत आप ही के पास आ रही हूँ, एक बार अमरजीत जी इस पे बोल ले क्योंकि अमरजीत जी कन्हैया कुमार वीडियो में आपके सामने, क्योंकि अभी तक ये हो रहा था कि कन्हैया नहीं है झूठ मूठ पे फंसाया जा रहा है, वीडियो में वो भी दिख रहा है, अंजना जी सुन लीजिए, कन्हैया उस प्रोग्राम में शामिल नहीं था, वो प्रोग्राम हो चुका था जब उस ग्रुप वो जो एंटी एंटी इंडिया नारे लगा रहे थे, जो प्रो पाकिस्तान नारे लगा रहे थे, वो ग्रुप में और एबीवीपी में क्लैश शुरू हुआ, उसके बाद जेएनयू एसयू एआईएसएफ एसएफआई आईसा जो भी वहां पर वामपक्ष के लोग मौजूद थे वो वहां पहुंचे ताकि झगड़े को रोका जा सके, ये जो आप फुटेज दिखा रहे हैं ये उस समय की है जिन्होंने जाकर के उन लोगों को रोकने की कोशिश की जो आपस में क्लैश कर रहे थे। मैम मैं इतना कह सकता हूँ कि आप झूठ बहुत अच्छे तरीके से और बहुत सफाई से बोलती हैं,
क्योंकि ये वीडियो केवल यह नहीं है, पूरे वीडियो पूरे कार्यक्रम के वीडियो रहे हैं और कन्हैया कुमार हो चाहे रामा नागा हो चाहे कोई भी रहे हो जेएनयू के रिप्रेजेंटेटिव वहां पर वो पूरे कार्यक्रम के दौरान रहे हैं। और तो और जो पिछले साल के प्रेसिडेंट थे आशुतोष ने पूरे कार्यक्रम को लीड किया है, ये दोनों ने लीड किया है, आप कैसे कह सकती हैं? वीडियो सामने है, मैं आवाज बंद नहीं करा रहा हूँ, लेकिन जो आप झूठ बोल रही हैं उसको मैं लोगों के सामने पर्दाफाश करना चाहता हूँ कि आप झूठ ना बोलें, आप झूठ ना बोलें मैम, बिल्कुल नहीं। आप जब 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 ये वीडियो सामने होते हुए भी आप कह रही हैं कि आपके लोगों ने उसको नहीं किया, तब तो जब पिछले साल वीडियोस नहीं हुआ करते थे, आपको सबको पता हो सकता है कि आप क्या क्या कर सकते थे। समित पात्रा जी, मुझे लगता है आपको इसका जवाब देना चाहिए। समित पात्रा जी, इसका जवाब दीजिए, फिर मैं फौरन ठीक है। बहुत गंभीर आरोप लगा रही है कि इमरजेंसी जैसी परिस्थितियां आ रही है, लोगों की आवाज दबाई जा रही है। इसके बाद प्रशांत देशद्रोहियों के अंदर इमरजेंसी आ गई है, ये जो आराम आराम से देशद्रोह का काम कर रहे थे अब पकड़े जाने लगे हैं तो ये अब चिल्ला रहे हैं। आप इनके तर्क को देखिए, इनका तर्क है कि जो वीडियो बनाने वाला है उसको गिरफ्तार करिए, कन्हैया को गिरफ्तार मत करिए। नहीं नहीं, आप बताइए, इनके तर्क को देखिए, इनका तर्क है कि वीडियो बनाने वाला बदमाश है, वीडियो बनाने वाले को गिरफ्तार करिए। ऐसा देशद्रोह आपने देखा है? ये आज जो चिल्ला रही हैं अमरजीत जी, मुझे तो बड़ा आश्चर्य हो रहा है, इतने गुस्से में मैंने अमरजीत जी को कभी नहीं देखा। आज जब ये पकड़े गए हैं, पूरी कमेटी जो देशद्रोह करने वाली है, तो ये सारे चिल्लाने लगे हैं। आज हिंदुस्तान की जनता ने देखा है कि इनके चेहरे के ऊपर से नकाब हटा है। इतने वर्षों तक जो नकाब ढक के रखा हुआ था वो नकाब हटा है। आप बताइए अंजना जी, देश से मैं पूछ रहा हूं, ऐसे लोगों के ऊपर एक्शन नहीं होना चाहिए जो हिंदुस्तान की सरजमीन पे कहते हैं पाकिस्तान जिंदाबाद, जो कहते हैं हिंदुस्तान के 100 टुकड़े कर देंगे, जो कहते हैं आजाद कश्मीर को, उन पे नहीं होना चाहिए। प्रशांत जवाब दीजिए। प्रशांत मुखर्जी है, प्रेसिडेंट है, दिल्ली स्टेट कमेटी SFI CEC मेंबर है SFI के। प्रशांत हाँ जी, हाँ अंजना जी, मैं संबित पात्रा जी से पूछना चाहता हूँ, जब 2014 का चुनाव लोकसभा लड़ रही थी भाजपा, तो तमिलनाडु के अंदर MDMK के साथ क्यों चुनाव लड़ी थी? वो LTTE का समर्थन करते हैं, एक बात। दूसरी बात, इस मुद्दे पर सीधा मैं आता हूँ, वहां सारे छात्र संगठनों के लोग तब एकजुट हुए जब ABBP हुलिगैनिज्म में उतर गया था। आजाद कश्मीर के नारे के खिलाफ SFI हमेशा तटस्थ, SFI आजाद कश्मीर के नारे के खिलाफ हमेशा तटस्थ रहा है, चाहे असम के अंदर विभाजनकारी ताकतों के साथ लड़ना हो या पंजाब के अंदर, SFI ही वो संगठन। लेकिन JNU के अंदर नहीं, प्रशांत जी झूठ मत बोलिए, कटने दे देंगे JNU के अंदर, आपने हर बार रेस किया स्लोगन, और आपके अखबारों की जुबानी आज के टाइम्स ऑफ इंडिया में, आज के राष्ट्रीय सहारा में हमारा बयान है, और बयान से अलग बात होता है भाई साहब, लेकिन जो अंदर आप करते हैं वो सब दिखता है। आप कैंपस के अंदर जो आपकी राजनीति है सब देख रहे हैं, हर लोगों ने देखा है कि आप लोगों ने वहां वॉइस रेज किया है, वहां पर उनको साथ दिया है जो देश के खिलाफ बात कर रहे हैं। मैं एक सवाल पूछना चाहता हूं SFI के नेता से, वीडियोस आपको अगर ये कहते हैं कि ABBP वालों ने कुछ किया है, तो आप वीडियोस ला करके दिखाइए, हमारे पास वीडियोस है जिसमें दिखाया गया कि हमारे मुझसे सवाल छात्र के ज्वाइंट सेक्रेटरी पर जो लोगों ने हमले किए हैं। मैं इनसे बात कर सकता हूँ? हाँ, कर लीजिए। होम मिनिस्ट्री बिना सर्च वारंट, शांत हो जाइए। सुनिए, मैं आपसे एक सवाल पूछता हूँ। आपने कहा कि आप कश्मीर के खिलाफ नहीं है, आप संविधान से बड़ा प्यार करते हैं। ये जो पोस्टर मैं दिखा रहा हूँ, ये पोस्टर एक हफ्ते से आपके कॉलेज में लगा हुआ है। ये पोस्टर में लिखा है जुडिशियल किलिंग ऑफ अफजल गुरु एंड मकबूल भट्ट, और कश्मीर की आजादी की बातें इसमें लिखी हुई है। आप लोगों ने अपोज किया? नहीं। मैं सल्यूट करता हूं ABBP के कार्यकर्ता जो यहां बैठे हैं, इन लोगों ने इस मुद्दे को उठाया, इन लोगों ने अपोज किया, आप लोगों ने एक दिन से खिलाफ आवाज उठाई, और आप कहते हैं हम इसके साथ नहीं थे। मैं तो धिक्कार करता हूं ये JNU के कुछ लोगों के ऊपर, इतने बड़े विश्वविद्यालय के नाम को इन्होंने किस प्रकार से छोटा कर दिया है। ये पोस्टर में दिखा रहा हूं, ये पोस्टर तो एक हफ्ते से लगा हुआ था। क्या कर रहे थे आपने? क्या स्वतंत्र संग्राम को छोटा नहीं करने की कोशिश की? स्वतंत्रता संग्राम तक मत जाइए चिनॉय साहब, JNU के कैंपस में रहिए। एक सेकंड रुक जाइए, चिनॉय साहब को जवाब देने दीजिए। चिनॉय साहब कैसे जाएंगे? आप थे ही नहीं। अरे आप स्वतंत्रता संग्राम तक मत जाइए, आप JNU के कैंपस के बारे में बात करिए। आप तो नहीं जाएंगे ना?
और जेएनयू कैंपस में ये दो अलग अलग गुट हैं, डीएसयू से अलग है दूसरा माओवादी ग्रोथ, वो भी आपको नहीं पता? वो हमें कुछ पता नहीं है, हमें सिर्फ इतना पता है कि पाकिस्तान जिंदाबाद हिंदुस्तान की सरजमीन पे नहीं चलेगा, बस इतना पता है हमें, बाकी हमें नहीं जानना है। और जो ऐसे नारे लगाएगा उसका बख्शा नहीं जाएगा। 15-20 लोगों ने ये नारा लगाया, 15-20 लोगों ने ये नारा लगाया। तो आप क्या कर रहे थे? आप तो उसी कैंपस में रहते हैं जब 15-20 लोग देश को तोड़ने की साजिश कर रहे थे, तो आप क्या कर रहे थे? आज आप टीवी पे आके बोल रहे हैं, चार दिन से हम लोग आवाज लगा रहे हैं, आप क्या कर रहे हैं? एक बार भी टीवी पे आके कंडेम किया आपने? अरे चुपके चुपके हर साल ये तमाशा आप लोग देखते रहते हैं, इस बार कैमरे में कैद हो गए तो आप कर रहे हैं? टाइम्स नाउ में मैंने तुम्हारे झूठ पकड़ी गई, मैंने टाइम्स नाउ में खंडन किया, मैंने न्यूज तो खंडन किया, तो शांति से बैठिए ना, गला खराब करके परेशान क्यों हो रहे हैं? आपने अगर खंडन किया है तो परेशान क्यों हो रहे हैं? क्योंकि आप ज्यादा झूठ बोल रहे हैं, झूठ बोल रहे हैं। ये जो पाकिस्तान जिंदाबाद, ये हिंदुस्तान को बर्बाद करेंगे, मैं झूठ बोल रहा हूँ? ये तो सबको पता है कि झूठ कौन बोल रहा है, जब वीडियो सामने है, जो लोग नारे लगाते हुए दिख रहे हैं, जहाँ साफ साफ बोला जा रहा है कि भारत की बर्बादी तक हमारा जंग जारी है, और फिर भी आप उसको डिफेंड कर रहे हैं। मंगलवार के पहले कभी नहीं लगा, ये उनका कहना। चंदन मैं चाहती हूँ जल्दी से अब आप अंजना जी इस पे मैं जरूर कहना चाहूंगा। ठीक है प्रशांत जी, थोड़ा सा रुक जाइए, चंदन शुरू से बैठे हुए हैं, अभी तक एक बार भी मैं इनके पास नहीं आया। एनएसयूआई ने हालांकि पीछे हटकर कह दिया है कि वो तो क्या, कहां है आपकी पोजीशनिंग, कहां है सरकार के साथ है इस कार्रवाई में या फिर खिलाफ? देखिए मुझे लगता है कि इस एक बात पर जहां जितने लोग भी बैठे हैं सब मानते हैं कि ये घटना निंदनीय है, इस पर कार्रवाई होनी चाहिए, इस पे कहीं किसी को शक और शुभा नहीं। लेकिन विडंबना देखिए अंजना जी, विडंबना देखिए, जिनका देशभक्त को लेकर के जिनका इतिहास मुंह काला हुआ है, आज जोर जोर से देशभक्ति का सर्टिफिकेट दे रहे हैं, चाहे लेफ्ट के लोग हो या चाहे बीजेपी के संबित पात्रा हो, पात्रा जी तो रंग देख के ढंग बदलते हैं। आप राष्ट्रवाद का सर्टिफिकेट देना बंद कीजिए, और आप जेएनयू का कैरेक्टराइजेशन 30 से 40 स्टूडेंट जेएनयू से नहीं होता है, जेएनयू में हम तमाम लोग यहाँ जो पैनल पर बैठे हैं, जेएनयू एक यूनिवर्सिटी है जो 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 जिस मिशन से, जिस मकसद से जेएनयू बनाया गया था कि DDD, आप इस भाषा को अच्छी तरीके से समझते हैं कि डिबेट डिस्कशन डिसेंट और कैपिटल टी डेमोक्रेसी का हिस्सा है, ये जेएनयू सब बहुत अच्छी तरह से दिखाती है कि किस तरह से लोकतंत्र यहाँ जीवित है। लेकिन कांग्रेस पार्टी ये मानती है कि इस मामले में डिसेंट के मामले में कहीं ना कहीं यहाँ पर लाइन ऑफ वो लोग क्रॉस ऑफ द लाइन गए हैं, इसलिए उनको सजा होनी चाहिए। लेकिन आप अगर राष्ट्रवाद का सर्टिफिकेट देते हैं और नाथूराम गोडसे और हेडली के कंधे पर बंदूक रख के राजनीति करना चाहते हैं, आपको भी देना पड़ेगा। आपकी आपकी हेडली कहां से आती है? ना 26 जनवरी मनाते हैं और बापू के हथियारों को महिमा मंडित करते हैं, तब आप चुप रहते हैं? आपका राष्ट्रवाद यही है? आज चिल्ला चिल्ला करके जब रंग रंग की बात कर रहे हैं, ये नहीं चलेगा पंडित जी। मुझे ब्रेक पर जाना पड़ रहा है, लेकिन उससे पहले एक सेकंड सर मुझे चुनाव साहब के पास प्लीज, एक सेकंड सर, अरे प्रभु एक सेकंड, प्रभु आपकी बात हो गई, चुनाव साहब जल्दी से, चूंकि वक्त की कमी रहती है, एक मैं फाइनल से आपकी तरफ से, क्योंकि मैं मानती हूँ कि जेएनयू के टीचर्स को आप इस वक्त रिप्रेजेंट कर रहे हैं, पूरा देश आपको सुन रहा है, अगर वाकई डिबेट डिस्कशन डिसेंसी डेमोक्रेसी ही जेएनयू का दूसरा नाम है, तो क्या आप ये मानते हैं कि देश के खिलाफ और पाकिस्तान के हित में लगे हुए नारे वहां पर नहीं होना चाहिए और जेएनयू प्रशासन उसे रोकने में नाकाम रहा है? नहीं, पहली बात यह है कि हम इन तरह के नारे के सख्त विरोधी हैं। ठीक है, ये सिर्फ देश के खिलाफ नहीं आप है, आप क्यों नहीं रोक पाते सर इसको? खिलाफ है सर, आप क्यों नहीं रोक पाए? हमने तो रोक दिया। देखिए ये इन्होंने चालाकी से मंगलवार को शुरू किया रात को, फिर जब प्रशासन को पता चला उन्होंने 15 मिनट पहले कह दिया कि आप इसको रोक नहीं चला सकते, फिर वो निकले, फिर उन्होंने ये चलाया, तब आपने क्यों नहीं रोका? जब एबीवीपी वालों ने बार बार वहां पर कंप्लेंट की तो आपने उस समय एक्शन क्यों नहीं लिया? क्या आपको यही लगता है कि अगर आपने दो साल पहले किसी के साथ इस बहस का अंत करना पड़ेगा? हिंदुस्तान एक ऐसा लोकतंत्र है। लांस नायक हनुमंत थप्पा अब हमारे बीच नहीं रहे, देहांत हो गया है, नहीं रहे लांस नायक हनुमंत थप्पा। लंबी लड़ाई हनुमंत थप्पा ने जिंदगी और मौत के बीच लड़ी, 6 दिन तक वो ये लड़ाई लड़ते रहे। Started with the writers, went on to academics, historians, scientists.